धार जिले के उमरबन खुर्द के ग्राम जामरिया के समीप मादा तेंदुआ नजर आने से दहशत का माहौल बन गया। घटना सुबह 4:30 बजे की बताई जा रही है। ग्रामीणों ने आसपास के खेत में तेंदुए को देखा, वह कुएं से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। इस घटना की जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। रेंज मांडा व धामनर की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू आरम्भ किया। करीब 8 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को पिंजरे में बंद कर दिया गया। धामनोद रेंजर धर्मेंद्र राठौर ने बताया कि ग्राम पंचायत उमरबन खुर्द के कस्बे के जामनिया मोटा के ग्रामीणों ने सूचना दी थी। सूचना मिलते ही एसडीओ राकेश डामोर और मेरी टीम मौके पर पहुंची। सावला खेड़ी बीट प्रभारी आशीष आवासिया ने वहां पर कुएं में तेंदुआ देखा और भेड़ को हटाया। सूखे पेड़ का तना और लकड़ी की जाली कुएं में डालकर तेंदुए को बाहर निकाला। यहाँ पर दोपहर 12:30 बजे तक मशक्कत करनी पड़ी। राला मंडल टीम इंदौर को सूचना देकर पिंजरा मंगवाया गया। राला मंडल की टीम डिप्टी रेंजर राजाराम कल्याण, शेर सिंह कटारे आदि के साथ पहुंची और तेंदुए को पिंजरे में कैद किया। उसके फिटनेस टेस्ट के लिए धामनोद रेंज ऑफिस लाया गया। जांच के बाद राला मंडल इंदौर की टीम तेंदुए को अपने साथ ले गई। तेंदुए को इंदौर के जंगल में छोड़ा जाएगा। मांडू जंगल में 3 से 4 तेंदुओं की पुष्टि की गई है। उमरबन क्षेत्र में यह 4th रेस्क्यू है। धामनोद से विशाल सिंह मंडलोई की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।